जस्ट 2 to 3 minutes मोर टू गो, सेशन शुरू होने वाला है. आप सभी से अगेन मेरी रिक्वेस्ट है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को लिंक को शेयर करिए और मैक्सिमम लोगों को इनवाइट कर लीजिए. हमेशा से एक बात कही जाती है कि मेडिसिन जो है वो क्या ट्रीट करती है. मेडिसिन आपके डिजीज को, बीमारी को ट्रीट कर सकती है, लेकिन एक डॉक्टर होता है जो पेशेंट्स को ट्रीट करता है, पेशेंट को क्योर करता है. और एक गुड फिजिशियन वो है जो बीमारी को ठीक करता है, लेकिन ग्रेट फिजिशियन वो है जो उस पेशेंट को ट्रीट करता है जो उस बीमारी से जूझ रहा है. और हम सब बहुत ज्यादा लकी हैं कि आज हमें ऐसे ही एक डॉक्टर को सुनने का मौका मिलने वाला है जो बीमारियों को ही नहीं बल्कि पेशेंट को भी ठीक करने में मदद करते हैं. शारीरिक, मानसिक और साथ ही साथ सामाजिक रूप से भी वो उन्हें स्वस्थ रखने में मदद करते हैं. सो आज का ये सेशन बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है. आप सभी से अगेन मेरी रिक्वेस्ट है कि लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर मैक्सिमम लोगों को इनवाइट कर लीजिए. एक बात जो हम सब हमेशा से सुनते आ रहे हैं कि भगवान ईश्वर हर जगह नहीं हो सकता, इसलिए उसने किसको बनाया है, डॉक्टर्स को बनाया है. और इस कोविड एरा में हम सब ने ये चीज बहुत ही बेहतर तरीके से महसूस करी है कि एक्चुअली डॉक्टर्स क्या होते हैं. डॉक्टर्स होते हैं ईश्वर का दूसरा रूप. डॉक्टर के ऊपर एक बड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो लोगों के ह्यूमैनिटी के चेहरे पर मुस्कान ला सकता है. और आज लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाने में मदद कर रहे हैं डॉक्टर रवि गुप्ता. हम सब बहुत ज्यादा लकी हैं कि आज हमें ऐसी शख्सियत को सुनने का मौका मिलने वाला है जिन्होंने लाखों लोगों की जिंदगी में बदलाव लाया है, बहुत ज्यादा प्रेरणा के स्रोत हैं और अपनी अपनी अलग पहचान, अपनी अलग पर्सनालिटी की वजह से लोगों के बीच में काफी फेमस हैं. बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है. आप सभी से अगेन रिक्वेस्ट है लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर मैक्सिमम लोगों को इनवाइट कर लीजिए. विद इन 2 to 3 minutes हम इस सेशन को शुरू करने वाले हैं. चलिए ज्यादा इंतजार ना करते हुए आज हम उन शख्सियत को इनवाइट करते हैं जो कि खास तौर से हमें बहुत कुछ सिखाने वाले हैं, बहुत कुछ बताने वाले हैं और खास तौर से अपने दिल का ध्यान कैसे रखें इसके बारे में बताने वाले हैं. दिल की बातें तो हम बहुत सारी करते हैं, बहुत ज्यादा कर भी लेते हैं और दिल को देने और लेने में भी बहुत ज्यादा विश्वास रखते हैं, लेकिन अक्सर होता क्या है, अपने इस दिल का ध्यान रखना भूल जाते हैं. तो इस दिल का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है. और आज के सेशन में हम खास तौर से जानने वाले हैं डॉक्टर रवि गुप्ता से कि कैसे इस दिल का ध्यान रखा जाए और किस तरीके से हम अपने हार्ट को सुरक्षित रख सकते हैं. सो बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर रवि गुप्ता आपका आज के सेशन में. थैंक यू सो मच सर, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग. थैंक यू सर. मैं
बहुत सारा इंट्रोडक्शन, बहुत सारी रिसर्च कल से आपके ऊपर कर रही हूँ, और जितनी ज्यादा मैं रिसर्च करती जा रही हूँ उतनी ज्यादा नई इन्फॉर्मेशन मुझे आपके बारे में मिलती जा रही है, किस तरीके से आप फेमस हैं और कितने शानदार काम कर रहे हैं। तो सर थोड़ा सा परिचय आप खुद जो है अपने बारे में हमारे साथ जितने लोग जुड़े हैं उनको बताएं। थैंक यू, मेरी आवाज आ रही है? यस सर, वेरी क्लियर। थैंक यू, थैंक यू। मायसेल्फ डॉक्टर रवि गुप्ता, एमडी फिजिशियन, और मोर देन 30 इयर्स हो गए मुझे मेडिकल प्रैक्टिस में, और जोधपुर राजस्थान से हूँ मैं, और इस इंडस्ट्री में मुझे काफ़ी टाइम हो गया है। और इस इंडस्ट्री में क्यों आया, कैसे आया, वो सब भी शॉर्ट में मैं बताऊंगा आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टू रिजुता मैम जिन्होंने मुझे मौका दिया आज आप सभी लोगों से रूबरू होने का। थैंक्स टू वेस्टीज जिन्होंने इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मुझे दिया। आई एम लक्की, आई एम फीलिंग प्राउड कि मैं एज ए फिजिशियन तो अपनी मीटिंग्स में, कॉन्फ्रेंसेस में हम लोग बोलते हैं, पर ऐसे प्लेटफॉर्म पे जहां हमें सिकनेस इंडस्ट्री की बात नहीं करनी है, हमें वेलनेस इंडस्ट्री की बात करनी है। दोस्तों इतना मजा आता है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पेशेंट्स नहीं है, वो प्रिवेंशन वाले लोग हैं जो कह रहे हैं सर हमको बीमार नहीं होना है, क्योंकि बीमारी के बाद तो डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, और डॉक्टर की बातें तो फिर हमें माननी पड़ेगी, पर अगर हमें डॉक्टर ही सलाह दे दे कि हमें वो बीमारियां ना हो, हम अपने आप को हेल्दी कैसे करें। तो मैं सबसे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आज की जो बातें हम करने वाले हैं आप लोगों से, ये सारी प्रिवेंशन बेस्ड है। हम कभी भी ये डिस्क्लेमर लगा के रखते हैं कि हम कभी भी ये नहीं कहते हैं कि अगर आपको हार्ट अटैक हो गया है तो आप हमसे ठीक हो जाओगे, या डायबिटीज है हम आपको ठीक कर देंगे। दोस्तों हम लोग आपको एक अच्छी लाइफस्टाइल की बात कर रहे हैं, आपको हेल्दी कैसे रहना है, हेल्दी कैसे बनाए रखना है। अगर आपकी जेनेटिक्स, आपकी फैमिली हिस्ट्री में डायबिटीज है, आपको ना हो, अगर हो गई है तो वो कॉम्प्लिकेशंस ना हो, और अगर कॉम्प्लिकेशंस हो गए हैं तो उसको कैसे मेंटेन किया जाए, लाइफ को अच्छा कैसे बनाए रखा जाए, आज की मीटिंग का हमारा पर्पज ये रहेगा। और पर्पज ये है हमारी ऑप्टिमल हेल्थ। तो रिजिता जी मैडम, मैं सिंपली ये इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ कि मेरा आज का टॉपिक जो है वो प्रिवेंशन पे रहेगा, और बाकी आप बताएं, हार्ट की बात है बिल्कुल उस पर अपन बात करेंगे। बिल्कुल सर, और आपने जो बात ही कही है वो भी बहुत ही खास है कि हम प्रिवेंशन पर बात करने वाले हैं, क्योंकि ये एक अपने आप में बड़ी यूनिक चीज है। जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा कि जो जनरल डॉक्टर होते हैं वो क्या ट्रीट करते हैं, वो बीमारी करते हैं, लेकिन जो ग्रेट फिजिशियन होता है वो एक्चुअली पेशेंट को ठीक कर रहा होता है। क्योंकि आप इसके बारे में नहीं सोच रहे कि लोग बीमार पड़े, बल्कि आप इस बारे में बात करना चाहते हैं कि लोग स्वस्थ कैसे रहें। तो उस कड़ी में आपने बताया कि आप ऑप्टिमल हेल्थ के बारे में बताने वाले हैं, तो सर ये ऑप्टिमल हेल्थ क्या होती है और हम कैसे पा सकते हैं इसे? थैंक यू, मैं तो इसको डिजिटल एरा को भी मैं थैंक्स दूंगा कि आज हम लोग डिजिटली पूरे इंडिया, हो सकता है आउट ऑफ द कंट्री भी लोगों से हम बात कर रहे हो, क्योंकि ये मैसेज हमारा करीब 7-8 कंट्रीज में है, और जो लोग हमें लाइव देख रहे हैं तो थैंक्स टू कोरोना एंड थैंक्स टू डिजिटल मीडिया जिसने हमें सबको मिला दिया। दोस्तों ऑप्टिमल हेल्थ की जब हम बात करते हैं तो इट इज द बेस्ट हेल्थ पॉसिबल। एक तो होता है WHO की हेल्थ की डेफिनेशन थी कि इट इज द स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल वेलबींग एंड नॉट मियरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फर्मिटी। वो एक WHO ने आइडियल डेफिनेशन बना दी, पर ऑप्टिमली वो पॉसिबल नहीं है। ऑप्टिमल हेल्थ क्या है, मेरा एनवायरमेंट और मेरे जेनेटिक्स को देखते हुए क्या बेस्ट पॉसिबल हेल्थ हो सकती है, दैट इज ऑप्टिमल हेल्थ। तो मेरे जेनेटिक्स को मैं कैसे इंप्रूव करूं, मेरे एनवायरनमेंट को कैसे मैं हेल्दी रखूं, मेरे सराउंडिंग्स को कैसे हेल्दी रखूं, उससे जो मेरी हेल्थ बनेगी दैट इज नोन एज ऑप्टिमल हेल्थ। तो ये शब्द जो है बाद में इजाद हुआ ऑप्टिमल हेल्थ, और इस मीटिंग का जो पर्पस है क्लियरली है वी वांट टू लिव लॉन्ग बट वी वांट टू डाई यंग। मुझे उम्र लंबी मिले लेकिन आखिरी दिन तक मैं यंग रहूं, मरते दम तक मेरी सारी जो सेंसेस है, सारे रिफ्लेक्सेस हैं, वो हेल्दी रहे। मुझे ये ना हो कि मेरी जो इम्पोर्टेंट सेंसेस हैं, जो धीरे धीरे हमारी एजिंग के कारण, अर्ली एजिंग के कारण डैमेज हो रहे हैं, वो ना हो। दोस्तों यहाँ सभी लोग चाहते हैं कि उनकी उम्र जितनी ऊपर से दराज होके आई है, उनकी 100 साल है, 150 साल है, जितनी भी आपकी उम्र है, वो आपको मिले वो तो तय है, लेकिन उस उम्र में लाइफ हो। वी डोंट वॉन्ट टू एड ईयर्स इन द लाइफ, वी वॉन्ट टू एड लाइफ इन द ईयर्स। तो जो भी जिंदगी आपको मिली है उसमें जीवन हो। तो अभी बात चल रही है ऑप्टिमल हेल्थ की, तो आज ऑप्टिमल हेल्थ पे हम बात करेंगे, और रिजुता जी ने मुझे टॉपिक दिया है हार्ट का। तो दोस्तों दिल का मामला है और बड़ा सेंसिटिव है, और दिल
टूट जाता है, बड़ा ध्यान रखने वाली चीज है दोस्तों। हम दिल दे देते हैं, दिल दे के देखो, दिल दिया, दर्द लिया, पता नहीं बहुत सारी चीजें। और पता है दोस्तों, इसका जो पिक्चर है ना हार्ट का, वो इस तरह से बताया जाता है, ये इस तरह से यो शेप बताई जाती है ना, इस तरह का नहीं होता। हाँ पर ऐसा हार्ट नहीं होता है दोस्तों। मैंने भी जब मेडिकल शुरू किया, मैंने कहा जितना हमने फोटो बनाए, ये तीर जैसे उसमें तीर डाला, मैंने कहा दिल तो ऐसा होता है, पर पता चला दिल वैसा नहीं होता। दिल तो एक मुट्ठी नुमा होता है, इस तरह से होता है, इस मुट्ठी की साइज का होता है, और लगभग आपके दिल के लेफ्ट साइड में, आपके हार्ट के जो चेस्ट है उसके लेफ्ट साइड में ये धड़क रहा है। और दिल धड़कता है ना, ये धड़कन बहुत कुछ कहती है अगर आप इसका ध्यान रखें तो। क्योंकि धड़कनों का ध्यान अगर आपने नहीं रखा, क्योंकि कभी तेज धड़कती है तो भी चिंता का विषय है, बहुत धड़कन धीमी हो जाती है। अब देखना जब बहुत ज्यादा सीरियस हो जाती है तो आपकी सांसें और आपकी धड़कन है ना बहुत धीमी हो जाती है, और कभी आप एंग्जाइटी में चले जाते हैं तो धड़क धड़क दिल धड़क धड़क करता है, धड़क धड़क तो बहुत कुछ कहता है वो। तो ये सारी चीजों की आज हम बात करेंगे। तो नॉर्मल हार्ट जो मैंने बताया आपको, इसका काम है पंपिंग, ये टुल्लू पंप है, टुल्लू पंप। अब अगर आपका शरीर का वजन ज्यादा है, आप सोचो, खुद सोचो दोस्तों, कि छोटा सा पंप, इतना मुट्ठी जितना भर का पंप, अपने पूरे आपका वजन अगर ज्यादा है, 80 किलो, 100 किलो, 150 किलो, बताओ उसको आप कैसे उम्मीद करोगे कि वो आपको सारी उम्र काम करता रहेगा अच्छे से। बाकी जगह तो रिप्लेसमेंट पॉसिबल है, आपका एक कूलर का पंप खराब होता है या कोई भी मोटर खराब होती है, आप फट से दूसरा ले आते हैं। लेकिन ये दिल का मामला है दोस्तों, और दिल को बचा के रखना है, संभाल के रखना है, ताकि लंबे समय तक, आखिरी दिन तक आपका दिल जो है ना, दिल गार्डन गार्डन रहे आपका। तो इसके लिए बहुत सारी चीजें हैं कि ये हर मिनट 5 लीटर एवरेज ब्लड है ना ये पंप करता है, और जैसे ही रिलैक्स करता है तो वापस लेता है। इसका काम दोनों है, इसको कहते हैं, जुड़ने को कहते हैं सिस्टोल, और इसको कहते हैं डायस्टोल। तो जब सिकुड़ता है तो ये पूरे शरीर में ब्लड को फेंकता है, और उससे आपका जो ब्लड प्रेशर बनता है उसे कहते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, जो ऊपर वाला है। जैसे आप नॉर्मली आपने सुना होगा 120-80, तो 120 कब होता है, जब आपका हार्ट सिकुड़ता है, पंपिंग करता है, तो आपके शरीर में जिस प्रेशर से वो फेंक रहा है। अभी बीपी बढ़ेगा क्यों, उसके बारे में आगे बात करेंगे। या तो इस पर जोर ज्यादा आ रहा है, या जितनी हमारी पाइपलाइंस है वो कड़ी पड़ गई है, टाइट हो गई है, तो उसमें प्रेशर बहुत ज्यादा उसको मारना पड़ रहा है। अब वो डॉक्टर के पास आप जाओगे तो क्या कहेगा, भाई ऐसा है, अभी आपका हार्ट है ना इतना परसेंट काम कर रहा है, इसके लिए मुझे ये दवाई, वो दवाई, ये दवाई देनी पड़ेगी। पर वो ये नहीं कहेगा कि इसको संभाल के रखने के लिए क्या करना पड़ेगा। वो एलोपैथी, इट इज अ वेरी गुड पैथी। अच्छा एक चीज और मैं बोल दूं, वी आर नॉट गोइंग टू रिप्लेस द डॉक्टर्स। कुछ लोगों को ये लगता है कि अगर हम ये ले लेंगे फूड सप्लीमेंट, या हम वेस्टेज में आ गए हैं, तो हमको डॉक्टर की जरूरत नहीं है। दोस्तों डॉक्टर को रिप्लेस नहीं करना है, मैं डॉक्टर हूँ, मेरी प्रैक्टिस का भी, मेरा भी बच्चे हैं, ध्यान रखना है आपको। ऐसा नहीं है कि आप लोग ये सोचें, तो प्लीज बी केयरफुल। तो एक मिनट में ये 72 टाइम्स धड़कता है, 72 टाइम्स एक आइडियल है, पर 60-90 इसकी रेंज है। अगर दिल के बारे में आपको इतना पता है कि ये धड़कता है और एक बार में ये, अब इसका काम क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो लंग्स में हमने ऑक्सीजन ली है और ब्लड में आ गई है, उसको पूरी बॉडी में पहुंचाना है। आपका जो खाना है उसको पूरी बॉडी तक पहुंचाना है। तो जब सिकुड़ेगा तो पूरी बॉडी को खाना, ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन जो भी हम खाते हैं वो पहुंचाएगा। और जो लंग्स जब रिलैक्स होता है तो जितना उसमें से टॉक्सिन्स है, जो हमारे जो लंग्स के तक, लीवर तक, हार्ट तक, किडनी तक, सब जगह पहुंचाता है। मैंने मोटा मोटा इसलिए बता दिया कि सारी बातें आगे यहीं पे आपको पता लगेंगी। अगर आपका बीपी बढ़ गया, अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, अगर आपकी शुगर बढ़ गई, तो आप एक सिंड्रोम में फंस जाएंगे। दोस्तों सिंड्रोम शब्द शायद कुछ लोगों को नहीं पता लगेगा, पर सिंड्रोम क्या होता है, जब कुछ सारी बीमारियां एक साथ हो जाती है तो डॉक्टर उसको सिंड्रोम वर्ड देते हैं, और इस सिंड्रोम के होने के बाद में उसको कहते हैं सिंड्रोम एक्स। अलग ये शब्द पुराना हो गया है, एक्स का मतलब है आप समझ लो क्या हो रहा है, कुछ गड़बड़ होने वाली है। तो ना तो बीपी को बढ़ने देना है, ना कोलेस्ट्रॉल को बढ़ने देना है, ना शुगर को बढ़ने देना है, और टेंशन तो फिर बढ़ने ही नहीं देना है। तो ये सबसे बड़ा एक फैक्टर है जिसको हमें पहले समझ लेना है। और अब बीमारियां कौन कौन सी होती है, तो देखो दोस्तों इसका काम अगर पंपिंग का है ना, तो एक तो इसकी मसल्स है इसके अंदर, और इसकी ब्लड सप्लाई है, और इसकी नर्व सप्लाई है। तो अगर नर्व सप्लाई कम हो गई, मतलब इलेक्ट्रिक करंट खराब हो गया, तो इसकी धड़कन जो है ना डिस्टर्ब हो जाएगी।
ये बीच बीच में जो होता है ना, जैसे आप ना शॉर्ट सर्किट होने के बाद क्या होता है, डिस्टर्ब हो जाता है ना, फ्लक्चुएशंस, तो फ्लक्चुएशन आने लगते हैं, यानी इररेगुलर बीट्स हो जाती है। दिल जो धड़कता है बराबर धड़कता है, एक मिनट में अगर 72 टाइम्स धड़क रहा है तो उतना ही धड़केगा, नहीं तो क्या होता है, एक बार 70 धड़ रहा है, एक बार 100, एक बार 150, ऐसा होगा। दैट इज नोन एज एरिथमियाज, रिदम का बिगड़ जाना। अगर रिदम बिगाड़नी नहीं है तो दोस्तों, इस रिदम को बनाए रखने के लिए, जिंदगी की रिदम को बनाए रखने के लिए आपके पास में बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, जिसके लिए ऋजुता जी इज ए गुड ट्रेनर, जो आपको सभी सब्जेक्ट्स में आपको परफेक्ट कर देती है, आपको फिजिकली मेंटली ऐसी बहुत सारी आपको ट्रेनिंग देती है। अब आ जाती है, जब बीपी बढ़ रहा है आपका, तो ब्लड वेसल्स भी इन्वॉल्व हो गई है। हार्ट तो बेचारा दुखी है, ब्लड वेसल्स के अंदर भी हमें पता है कि जैसे हम एक रबर का पाइप लेते हैं, वो क्या होता है, धीरे धीरे पुराना होता है, पुराना होने से क्या होता है, उसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो कम हो जाती है, और अंदर स्क्रैचेस हो जाते हैं, क्रैक्स, उसे कहते हैं फाइन फिशर्स, माइक्रो फिशर्स हो जाते हैं, कट्स लग जाते हैं। अब अगर ये कट लग गए, आप समझ लो पाइप के अंदर जैसे काई जम जाती है, आपने देखा कुछ कुछ जम जाता है, सेम हालत हमारी ब्लड वेसल्स की है। और ये अगर उम्र के साथ में अगर इसकी मेंटेनेंस नहीं की गई, आप समझ लीजिए आपकी ब्लड वेसल जो पाइपलाइन पूरे शरीर में फैली हुई है, वो आपके आईज में भी जा रही है, आपके हार्ट में भी है, किडनी में भी है, लीवर में भी है, ब्रेन में भी है, आपकी मांसपेशियों में, सभी जगह वो पाइपलाइन है, और उस पाइपलाइन को आपको अच्छे से रखना पड़ेगा। तो अब कुछ चीजें तो हमारे हाथ में है, जिनके बारे में मैं भी बात करूंगा, कुछ चीजें हमारे हाथ में नहीं है, जैसे जेनेटिक्स। दोस्तों आज आप वेस्ट चीज में हो, आप फूड सप्लीमेंट की बात कर रहे हो, हम न्यूट्री जीनोमिक्स एक शब्द को बात करेंगे, जो हमारे जीन्स को भी हम कैसे इम्प्रूव करें, उसमें जो होने वाले वीकनेस डैमेजेस है उसको हम कैसे कंट्रोल करें, अगर ये भी हमको सीखने का मौका मिलेगा। तो ऐसी बहुत सारी बीमारियां आपने देखा होगा जो फैमिली में चल रही है, डॉक्टर जैसे ही हार्ट के पेशेंट को देखता है तो सबसे पहला सवाल क्या पूछता है, कब से है आपको ये तकलीफ, फिर क्या पूछता है, ये बीमारी आपके घर में किस किस को है, आपके मम्मी को, पापा को, भाई को, बहन को, और किसी रिश्तेदार को, अगर आपके घर में है क्या ऐसी बीमारी, तो वो डॉक्टर क्या जानना चाह रहा है कि कहीं ये हेरिडिटी से तो नहीं है। ये अगर आपके फैमिली में डायबिटीज की हेरिडिटी है, बीपी की हेरिडिटी है, कोलेस्ट्रॉल की हेरिडिटी है, अस्थमा की हेरिडिटी है, तो डॉक्टर हिस्ट्री लेना चाहता है, वो जानना चाहता है कि वो हेरिडिटी से भी कोई चीज का अगर आया है तो उसको उसी पर, उसके आगे उसके पास में कोई इलाज नहीं है, ही कैन नॉट चेंज योर जेनेटिक्स। तो अगर हमें ये समझ में आ गया कि हमारे हार्ट और लंग्स और ब्लड वेसल्स ये सब जुड़ी हुई सिस्टम है, मुझे हार्ट में बात करते हो इसलिए अच्छा लग रहा है कि लास्ट टाइम मैंने लीवर पे बात किया था, तो लीवर एक अपने आप में एक जादुई ऑर्गन है, हार्ट तो फिर बिल्कुल बहुत दिल के करीब है, हम रहते हैं लोगों के हम करीब रहते हैं। तो क्वेश्चन आता है, अगर फैमिली हिस्ट्री है तो उसका भी हमको बहुत ध्यान रखना है कि अगर मेरे घर में डायबिटीज है, मेरे फादर की डायबिटीज हुई है, मदर को डायबिटीज है, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि बच्चों को डायबिटीज होगी। अब उस टाइम होने से पहले हम क्या कर सकते हैं, आज जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो ये है कि डायबिटीज होने से पहले हम क्या कर सकते हैं, और अगर हो गई है तो उसको कॉम्प्लिकेट होने से कैसे बचा सकते हैं। तो आपको सबको पता है हमें कोई भी चीज गिफ्ट में मिल सकती है, पर हेल्थ गिफ्ट में नहीं मिलेगी। आपके हो सकता है बहुत बड़े आपको बंगले मिल जाते हो गिफ्ट में, सोना चांदी मिल जाएगा, प्रॉपर्टी मिल जाएगी, लेकिन हेल्थ तो आप खुद को अर्न करनी पड़ेगी। दोस्तों ये शब्द मैं बार बार यूज करूंगा, EARN, अर्न करनी पड़ेगी, जो मैडम बहुत बार बताती है रीता मैम, अगर आप अर्न करेंगे उसका मतलब है, वो आपको आगे मैं बात करूंगा अर्न का मतलब क्या है। तो फैमिली हिस्ट्री के बाद में हार्ट पे क्या क्या चीजें डैमेज करने वाली है, एक है डायबिटीज। दोस्तों आप देखना, डायबिटीज होने का मतलब है हार्ट की बीमारियां। अच्छा, हार्ट का मतलब क्यों बात कर रहे हैं, हर तीसरी चौथी डेथ, 100 में से 30% डेथ जो है ना वो हार्ट से रिलेटेड बीमारियों से हो रही है दोस्तों। तो जितनी कोरोना से हुई है डेथ वो तो बहुत कम परसेंटेज है, रोजाना कितनी डायबिटीज, हार्ट, कैंसर, अस्थमा से हो रही है वो बहुत बड़ा नंबर है। तो इंडिया इज ए कैपिटल ऑफ डायबिटीज एंड हार्ट डिजीज। अब आप मान के चलो अगर हम इतना ज्यादा इससे सफर कर रहे हैं, तो दुनिया को दवाइयां बेचने का, फार्मा कंपनी का इतना बड़ा ये मार्केट है, कैपिटल बन गया है इंडिया, पूरी दुनिया की निगाहें। अब देखो वैक्सीन भी दुनिया सोच रही थी कि हम कोरोना की वैक्सीन है ना बेचेंगे इंडिया को, लेकिन हमारे कंट्री ने कुछ जादू कर दिया और कोरोना का वैक्सीन हमने खुद बना लिया तो बच गए ना, नहीं तो पता नहीं कितनी बड़ी हमारी रकम जो है पैसा हमको देना पड़ता।
तो डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जिस पर अलग से बात होगी, लेकिन डायबिटीज का सीधा हार्ट जो हार्ट पे असर आता है और वो क्यों आता है उसके लिए बहुत सीधा कारण है, आपका जो इंसुलिन है वो अगर वीक हो रहा है तो वो बॉडी में स्ट्रेस बढ़ाएगा आपकी बॉडी में और सेल को डैमेज करेगा और वो सेल में ऑक्सीडेशन बढ़ेगा और बहुत सारी चीजें उसमें। माइक्रोवेस्कुलर डायबिटीज में क्या है दोस्तों, दो कॉम्प्लिकेशन होते हैं, एक तो माइक्रोवेस्कुलर यानी जितनी भी बारीक बारीक जो ब्लड वेसल्स है ना, एक तो उसके ऊपर सबसे ज्यादा डायबिटीज का इफेक्ट होता है। ब्लड वेसल मींस कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम, हार्ट आ गया, और एक होता है मैक्रोवेस्कुलर यानी बड़ी वेसल्स जिसमें हार्ट भी आता है। तो माइक्रोवेस्कुलर का मतलब क्या होता है, किडनी। अब देखना डायबिटीज में किडनी के ऊपर क्यों इफेक्ट आता है, क्योंकि जो छोटी छोटी ब्लड वेसल्स है ना वो अंदर से डैमेज हो जाती है। अब जब सर्कुलेशन नहीं हो रहा, फिल्ट्रेशन नहीं हो रहा, किडनी वीक हो गई। आंख का अगर मान लीजिए सप्लाई वीक हो गई किडनीज में, सॉरी आईज के अंदर अगर ब्लड वेसल्स अगर हमारी वीक हो गई, तो डॉक्टर क्या बोलेगा कि आपकी जो ब्लड सप्लाई है वो इतनी कम हो गई है आईज के अंदर, उसके अंदर चेंजेस आ गए हैं ब्लड वेसल्स में, कॉपर वायर चेंजेस, सिल्वर वायर चेंजेस, बहुत सारे अंदर आईज में चेंजेस आ जाएंगे जिसकी वजह से आपका विजन कम हो जाएगा। ऐसे ही आपका अगर एक्सट्रीमिटीज है, पैर है, हाथ है, आपको ऐसा लगेगा डायबिटीज वालों को कि जो ब्लड सप्लाई है ना वो कम होती जा रही है। कैसे पता लगेगा, हाथ पे ठंडे होने लग जाएंगे। ठंडे होने के अलावा क्या लगेगा, हाथ पैरों में आपको लगेगा सूनापन, क्योंकि जो नर्व्स की सप्लाई, जो ब्लड सप्लाई वो भी कम होगी, तो हाथ पैर में कहीं चोट भी लग जाएगी ना आपको पता, क्योंकि ब्लड सप्लाई वहां पे इतनी कम हो रही है कि गैंग्रीन जैसी बीमारी भी हो सकती है। ये सारी बीमारियां मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आने वाले टाइम में जो हम टॉपिक लास्ट में कवर करेंगे आपको लगेगा कि ये सारी चीजें अगर होने ही वाली है आज नहीं तो कल, तो इसका बचाव कर लेना तो ठीक है ना। अब इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है तो वो एक बहुत बड़ा कारण होता है डायबिटीज में, कि आप कितना भी दवाई दे दीजिए इंसुलिन उसके बन ही नहीं रहा है, बन रहा है तो वो रेजिस्टेंट फॉर्म में है। मेडिकल ट्रीटमेंट लेते रहिए, लाइफस्टाइल जो है ना वर्ड यूज करना पड़ेगा, क्योंकि जितनी भी मैं आगे बात करने वाला हूँ कि लाइफस्टाइल ये क्या होता है लाइफस्टाइल। अब मैं अच्छे से एसी में बैठा हूं तो लाइफस्टाइल अच्छी है ना, पर इसकी अति, लाइफस्टाइल को अगर आप शब्दों में समझना चाहेंगे, किसी भी चीज की अति अगर हो जाती है तो वो लाइफस्टाइल बीमारियों में, मैं कहता हूँ मुझे एसी में रहने में कोई परेशानी, लेकिन अगर मैं सुबह 2 घंटे पसीना बहा रहा हूं, मैं सुबह में वॉक कर रहा हूँ, योगा कर रहा हूँ, प्राणायाम कर रहा हूँ, एक्सरसाइज कर रहा हूँ, और अगर मैं वो नहीं कर रहा हूँ तो मैं अति कर रहा हूँ अपने शरीर पर। मैं जो खाना, सब तरह का खाना चाहिए, क्योंकि आज हम मॉडर्न लाइफस्टाइल में जी रहे हैं, तो क्या ये थोड़ी है कि हम कुछ भी नहीं खाएंगे, लेकिन अगर मैंने उसमें फाइबर अपना पूरा रखा है, मैंने अपने न्यूट्रिशन को पूरा रखा है, तो आई एम हेल्दी एंड हैप्पी। तो ये चीज होगी। दूसरा चीज होगी दोस्तों, हार्ट पे एरिदमिया होने लग गया, सप्लाई अगर हार्ट की कम हो गई, तो हार्ट अटैक एक ऐसी बीमारी है जो हम सब जानते हैं, एक बड़ी बीमारी है, उसका नाम होता है एंजाइना। एंजाइना का मतलब है आपकी हार्ट की जो सप्लाई है वो सिकुड़ती जा रही है। अब अगर आप नॉर्मल बैठे हैं तब तक तो सप्लाई चल रही है, अगर आपने ज्यादा काम किया, हार्ट को ज्यादा काम करने का बोला और सप्लाई कम पहुंची, तो अंदर जो ऑक्सीजन हार्ट में कम मिलेगी तो हार्ट दर्द के मारे कराएगा, उस कराने को एंजाइना कहते हैं। और अगर आप एंजाइना से पीड़ित है तो आप समझ लीजिए अगला जो कदम है वो क्या होने वाला है, अगर उस सिकुड़ी हुई नस में अगर छोटा सा भी कोई खून का थक्का आगे फंस गया, छोटी नस में फंसेगा तो छोटे एरिया को डैमेज करेगा, लेकिन अगर बड़ी हार्ट की वेसल को अगर डैमेज कर दिया उसने, और बड़े सब एरिया को अगर डैमेज कर दिया, तो दोस्तों लाइफ की पूरी रिस्क रहेगी। आज हम वो बात करने वाले हैं कि 40 के बाद में अचानक क्या हो जाता है कि हार्ट अटैक की संख्या एकदम तेजी से बढ़ जाती है, तो वो भी हम समझेंगे कि उसके पीछे क्या कारण है। कि 40 का होते ही कहते हैं लोग बाग अब तो आपको बहुत सारे प्रिकॉशन रखने पड़ेंगे, वो भी हम बात करने वाले हैं। तो दूसरा एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है हमारे हार्ट को बचाने के लिए, हार्ट अटैक से बचाना है हमें, एरिथमिया से बचाना है, और हमको उसकी मसल्स को वीक होने से बचाना है। तो हमारी हार्ट की मसल जो है ना वो भी बूढ़ी होती है, लेकिन अगर उसको बताना है तो हमारे पास में ऐसे ऐसे फूड सप्लीमेंट है। अच्छा, फूड सप्लीमेंट की मैं डेफिनेशन बता दूं, फूड के पूरक, भोजन के पूरक, और ये कैसे अलग होते हैं दवाइयों से ये भी आगे मैं बात करने वाला हूँ। ये बहुत जरूरी है फर्क समझना। कुछ लोग समझते हैं ये कैप्सूल मैंने खा लिए तो क्या डॉक्टर से पूछूंगा। दोस्तों अगर आंवला आप खा रहे हो तो डॉक्टर से नहीं पूछते, एलोवेरा, तुलसी, अलसी ये आप अपनी इच्छा से खाते हैं, उन्हीं की मात्रा को अगर हमारे शरीर में किसी कंसंट्रेटेड फॉर्म में, कैप्सूल फॉर्म में या लिक्विड फॉर्म में दे दिया जाता है, वो हमारे फूड सप्लीमेंट है, वो लाइफ लॉन्ग भी ले सकते हो आप, जबकि दवाइयां हम लाइफ लॉन्ग नहीं लेते। रीता जी मैं ये कहना चाहूंगा, आप भी समझ रही हैं, आप बताते हैं सारे हमारे सारी टीम को, ऐसी चीजें जो हमारी सप्लीमेंट से पूरी होती है वो मेडिसिन पूरा नहीं करती, और जो मेडिसिन काम करती है वो सप्लीमेंट नहीं करती, ये चीज हमें समझनी है।
और सर इसमें मैं ऐड भी करना चाहूंगी कि मेरे ख्याल से इस कोविड एरा में इस बात को तो बहुत बेहतर तरीके से प्रूव भी कर दिया गया है ये चीज कि देखिए जब कोविड एरा आया था जब कोई मेडिसिन नहीं थी कोई वैक्सीनेशन नहीं थी क्या कहा जा रहा था अपने पोषण को दुरुस्त रखिए। वैक्सीनेशन आने के बाद मेडिसिन आने के बाद भी एक चीज जो उसको दुरुस्त करने के लिए अभी भी कहा जा रहा है वो है आपका पोषण, आपके विटामिन, विटामिन सी लेना जरूरी है। और अगर आप केमिकल बना हुआ ले रहे हैं तो ऑब्वियसली आपकी बॉडी उतना रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगी, लेकिन आप नेचुरल फॉर्म में ले रहे हैं जैसा कि सर ने एग्जांपल दिया आंवला ले रहे हैं आपकी बॉडी नेचुरली उसको रिकॉग्नाइज करेगी, स्टोर करेगी और आपको ज्यादा फायदा पहुंचाएगी और लंबे टाइम तक आपकी बॉडी उस चीज को यूटिलाइज करके हेल्दी रखने में आपको मदद करेगी। तो अक्सर ये भी शायद से एक बहुत बेटर बेनिफिट होता है कि अगर आप नेचुरल चीजों से लेते हैं इस तरह से कंसेंट्रेटेड फॉर्म में लेते हैं तो ये ऑब्वियसली एक दिन में हमें जो ऑन एन एवरेज खाना चाहिए जितना विटामिन सी के लिए आंवला की अगर हम बात करें तो हमें 60 से 70 आंवले जो है 60 संतरे खाने चाहिए कम से कम, 60 संतरे सिर्फ संतरे नहीं खाने और भी चीजें खानी है तो वो पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर आप अपने आंवला की कैप्सूल ले रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको जो है आपकी न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट भी पूरी हो रही है और आप हेल्दी भी रहते हैं। सर कुछ क्वेश्चन जो आप बातें कर रहे थे उसमें से कुछ कुछ पॉइंट्स बहुत सारे निकल गए तो मेरा एक सवाल सर सबसे पहले आपने अर्न की बात करी तो हम अर्न कैसे कर सकते हैं राइट उसके बारे में थोड़ा सा हमें बताइए कि अर्न कैसे कर सकते हैं अपनी हेल्थ। दूसरी चीज आपने बताया कि फैमिली हिस्ट्री अगर हेरिडिटरी में भी है हमारे यानी हमारे जीन्स में है कि हमें ये बीमारी हो सकती है, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे फादर को ब्लड प्रेशर है या हृदय संबंधित बीमारियां तो मुझे भी हो सकती है, सो क्या मैं इस बीमारी से बच सकती हूँ कि मुझे ना हो तो मुझे उसके लिए क्या करना पड़ेगा सर ये दो क्वेश्चन। बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। तो सबसे पहले जो आपने जेनेटिक्स की बात करी तो मैं ये कहना चाहूंगा हमारे पास अभी साइंस में स्टडी शुरू हो गई उसे कहते हैं जेनेटिक काउंसलिंग। जेनेटिक काउंसलिंग मतलब जेनेटिक की आपकी पूरी स्टडी होगी और वो आपका एक स्वैब से लेकर के भी स्टडी हो सकती है और उसके बाद में जेनेटिक एडिटिंग होगी जीन्स की एडिटिंग होगी। तो ये सारी चीजें धीरे धीरे हमारे पास आ रही है और उसके बेस में जो न्यूट्रिशन हमारी बॉडी को चाहिए ये आगे की एडवांस बात है अपनी। लेकिन दूसरी बात ये है कि अगर हम अच्छा न्यूट्रिशन लेते हैं तो क्या हमारे जेनेटिक्स को इम्प्रूव कर सकते हैं हम, ये बहुत बड़ा फैक्टर है कि हम लोग ये सोचते हैं कि भाई अब तो हो गया है तो ये हो गया है, लेकिन अगर मुझे आगे की जनरेशन को भी बचाना है और खुद को भी हेल्दी रखना है तो मुझे न्यूट्रीजिनोमिक्स को समझना पड़ेगा कि मेरा न्यूट्रिशन मेरे जीन्स को कैसे पॉजिटिवली इफेक्ट करता है। तो ये बात है। और दूसरा क्या क्वेश्चन था क्या मतलब होगा ई फॉर एक्सरसाइज। अब एक्सरसाइज का जो है ना मैं डेफिनेशन बता दूं आपको, एक्सरसाइज का मतलब कोई जिम या वो नहीं होता है, एक्सरसाइज का मतलब कोई भी एक्टिविटी जो आप रूटीन में अपनी बॉडी को मूवमेंट के लिए करते हैं। इसके लिए जरूरी नहीं है कि आपको ट्रैक सूट पहनना पड़ेगा या महंगे शूज पहनने पड़ेंगे या आपको तलवर कर ज्वाइन करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। एक्सरसाइज इज जस्ट रेगुलर मूवमेंट ऑफ योर बॉडी इन अ फिक्स टाइम। जैसे आपने सुबह बोला मैं एक डेढ़ घंटा फ्रेश एयर के अंदर मॉर्निंग वॉक कर रहा हूँ, मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ, मैं प्राणायाम कर रहा हूँ, मैं योगा कर रहा हूँ, ये आपको एक शेड्यूल बनाना है, मूवमेंट करना है। बॉडी के मूवमेंट से क्या होता है, सर्कुलेशन इंप्रूव होता है, जॉइंट्स का मूवमेंट इंप्रूव होता है और बहुत सारे हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं। तो अगर आप ये चीज मॉर्निंग वॉक करते हैं आपको जो फ्रेशनेस मिलती है आपके जॉइंट्स को, आपकी इंसुलिन जो है वो फॉर्मेशन शुरू हो जाती है। तो अर्न के अंदर सबसे पहला ई मींस एक्सरसाइज, दैट इज वेरी ट्रू कि अगर हम एक्सेल और ये सबसे पहले हटती है। आज घर में कोई भी काम आ जाए सबसे पहले जो चीज हटेगी ना अपनी रूटीन में से शेड्यूल में से, चलो कल से वॉक करेंगे, आज सर्दी ज्यादा है तो कल से वॉक करेंगे, आज घर में कोई काम आ गया तो कल से करेंगे, मतलब एक्सरसाइज भी मौत आती है सबसे पहले, नहीं आज तो मौसम बढ़िया है आज तो क्या करेंगे आज तो सो रहे हैं बढ़िया है। सर इसमें एक बात भी कही जाती है आराम बड़ी चीज है मुंह ढक के सोइए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों। मैं सिर्फ ये कहूंगा अगर आप इस इंडस्ट्री का पूरा बेनिफिट लेना चाहते हैं, अपने आप को हेल्दी रखना चाहते हैं, आपको अपना शेड्यूल बनाना पड़ेगा जिसके बारे में हो सकता है आज आपको लगे यार सोने दो ना यार कल देख लेंगे ना अभी कौन सा बीमार हूं मैं, अरे कल देखेंगे यार अभी क्या करना है। दोस्तों मैं लिटरली बता रहा हूँ अगर आपको ये समझ में आ जाता है आज तो कल आपका आपके हिसाब से चलेगा, नहीं तो ये डॉक्टर जो है ना फ्रेटर्निटी ये तो अब तो हार्ट के इतने हॉस्पिटल खुलते जा रहे हैं, बड़ा सरप्राइजिंग बात है, हर सिटी के अंदर हार्ट के हॉस्पिटल खुलते जा रहे हैं, डॉक्टर बढ़ते जा रहे हैं, फिर भी क्या बीमारी कम हो रही है, क्या क्या बीमारी में कोई ठीक हो पा रहा है, क्या वो चल रहा है,
डॉक्टर्स आपको जो सिचुएशन है उसको मैनेज कर देंगे, बट वो पूरी आपको क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं दे पाएंगे। तो ई पे ए आ गया एटीट्यूड, ई के बाद में ए, अर्न में ए होता है एटीट्यूड। अब मेरा एटीट्यूड हमेशा नेगेटिव रहेगा तो मेरी बॉडी अपने आप ही उसमें फ्री रेडिकल्स का अटैक डैमेज होना शुरू हो जाएगा। और आप देखना बहुत सारे लोग जो लंबे समय तक स्ट्रेस में रहते हैं या नेगेटिव एनवायरनमेंट में रहते हैं, उनके या तो घुटने कमजोर हो जाते हैं या उनका हार्ट कमजोर हो जाता है या उनका डाइजेशन खराब हो जाता है, लीवर कमजोर हो जाता है, यानी वो फ्री रेडिकल्स उनके बॉडी में स्ट्रेस रेडिकल्स जो है ना, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ जाता है और वो बहुत बड़ा कारण होता है बीमारी बनने का। आर फॉर रेस्ट, अब रेस्ट तो हम कर ही रहे हैं लेकिन हमें ये पता है फिजिकल रेस्ट नहीं चाहिए, मुझे मेंटल रेस्ट चाहिए। कई लोग बिस्तर में जाने के बाद भी रैपिड आई मूवमेंट स्लीप करते हैं। रैपिड आई मूवमेंट मतलब उनको अभी भी नींद नहीं आ रही है, गहरी नींद नहीं, अभी भी उनको पेमेंट देना है, लेना है, उससे लड़ना है, उसको ये बहुत सारे उनके दिमाग में। अगर आपको चैन की नींद आ रही है, भले आप 5 घंटे सोए 6 घंटे सोए, बट दैट शुड बी, आपको मोबाइल दूर रखना पड़ेगा अपना, आपको जो भी है उसको याद करके ऊपर वाले को थैंक देके कि भाई इतना बढ़िया मेरा दिन रहा, उसके बाद आप सोइए विद पॉजिटिव बुक्स पढ़ के आप, तो एटीट्यूड आपका पॉजिटिव रहेगा एंड दैट विल मेक यू 80% हेल्दी। अगर आपने रेस्ट पूरा किया विद पॉजिटिव एटीट्यूड, 6 से 8 घंटे हमको रेस्ट करना पड़ेगा एंड देन कम्स न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है, मेरे घर में जो भी खाना बनता है वो अच्छा होता है, मैं ये नहीं कह रहा घर का खाना बेस्ट होता है, पर आज की हमारी सब्जियों की जो हालत है, अनाज की हालत है, हमारा फ्रिज में स्टोरेज की जो आदत है, ये बहुत सारे टॉपिक है जिससे मैडम कई बार कवर करती है, वो हमारे न्यूट्रिशन वैल्यू को डे बाय डे, अब कब सब्जी बनी, कब मतलब खेत में तैयार हुई, फिर वो कट के कब आई मंडी में, मंडी से हमारे फ्रिज में कब आई, कब बनी, और उसके बाद भी हम 2-3 दिन तक उसे गर्म करके खा रहे हैं, तो न्यूट्रिशन वैल्यू उसकी खत्म हो रही है। यह जरूरत पड़ती है हमको सप्लीमेंट्स की। अगर आपके खाने में, अच्छा मान लीजिए आज मेरे घर में बन गया पाव भाजी, मजा आ गया, मजा आ गया, पर अगर मैं उसके न्यूट्रिशन वैल्यू निकालूं तो कबूली बन गई, कबूली हमारे राजस्थान में चावल की बड़ी स्पेशल डिश होती है, बिरयानी टाइप, वो इतनी टेस्टी होती है, बट अगर मैं सोचूंगी उसमें न्यूट्रिशन पूरा होगा, शायद नहीं होगा, और मुझसे जिस तरह से कुक किया गया ना फुल्ली घी वी डाल करके, तो टेस्ट तो अच्छा लगेगा बट न्यूट्रिशन का कोई गारंटी नहीं है। तो अर्न का तो ये मतलब है बेसिकली, ये हमारे लिए कितना जरूरी है ये आप समझ पा रहे होंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर, और मैंने आप सबको चैट बॉक्स में भी अर्न की परिभाषा जो सर ने बताई है उसको भेज दिया है, उससे इसको याद रखिएगा कि एक्सरसाइज, एटीट्यूड, एडिक्वेट रेस्ट, अच्छे से रेस्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, बेहतर नींद लेना और न्यूट्रिशन बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सर आपने बताया सप्लीमेंट्स की बात कर रहे थे हम कि हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है ऐड करना, तो सर आपने एक चीज बताई थी कि मेडिसिन और सप्लीमेंट में क्या अंतर होता है, वो आप हमें आज जरूर बताएंगे, तो एक ये चीज जरूर बताइए कि मेडिसिन और सप्लीमेंट में क्या अंतर होता है, और जो हृदय संबंधित बीमारी आपने बताई है एंजाइना का पेन या ब्लड प्रेशर या इस तरह की चीजों में हम कैसे इन चीजों को प्रिवेंट कर सकते हैं, पहले हम प्रिवेंशन पर बात करते हैं कि ये चीजें हो ही ना, तो हम उस पर क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहला तो ये है सप्लीमेंट्स को हम लोग ये सोचते हैं कि अगर मैंने फ्रूट्स खा लिए, दैट इज ट्रू गुड, हमें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाने हैं भरपूर मात्रा में, बशर्ते कि हमें उसमें केमिकल ट्रीटमेंट ना हुआ हो, दैट इज द बेसिक थिंग यू हैव टू टेक केयर। उसके बाद वेज फ्रूट वॉश से धुले हुए हो, अगर उसके ऊपर कोई कोटिंग है केमिकल की वो हटी हुई हो। अगर हम पूरे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स नहीं खा रहे हैं तो WHO रिकमेंड करता है कि 5 colors के फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स विद 5 to 9 servings पर डे ले लीजिए। उसके बाद आपने अर्न कर ही रखा है तो दैट इज आपको सप्लीमेंट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपके खाने में फाइबर सफिशिएंट मात्रा में, तो उसको फाइबर एक इतना इम्पोर्टेंट हमारा सप्लीमेंट वो है, फूड का इंग्रेडिएंट। प्रोटीन के बारे में मुझे पता है, विटामिन के बारे में पता है, मिनरल के बारे में पता है, फैटी एसिड्स के बारे में पता है, कार्बोहाइड्रेट के बारे में पता है, दोस्तों फाइबर तो हम भूल ही जाते हैं। फाइबर हमारे खाने में पहले इतना होता था कि हम उसको मोटा गेहूं पीस करके खाते थे, मोटा ही पहनते थे, मोटा ही हम आटा खाते थे, ज्यादा बारीक नहीं करते थे। लेकिन आजकल जब से हमारी जो पैक्ड फूड आने लग गया है, आटा जो हमारा पैक्ड है, उसको उन्होंने न्यूट्रिशन का ध्यान नहीं रखते हुए फाइबर को उसमें से रिमूव कर दिया, दोस्तों 80% पेट की बीमारियां उस फाइबर की कमी से हो रही है। आपने फ्रूट्स खा लिए बहुत अच्छी बात है, उसमें फाइबर मिल गया, लेकिन आपके आटे में जो मेन फाइबर हुआ करता था वो खत्म हो गया। अब यहाँ पे वैसी चीजें कितनी अच्छी बात करी है, कितना सिंपल एक तरीका दे दिया आपको फाइबर खाने के लिए, भी फाइबर यूं नहीं खाना है कि अब एक होता है ना इसबगोल जैसा पाउडर आता है
दैट इज ऑल्सो फाइबर, पर आप 10 दिन खा के देखिए आपको ऐसा लगेगा भैया मैं नहीं खा सकता, वो पूरा का पूरा आपके गम्स में दांतों में ऐसा स्टिक कर जाएगा कि आपको यार मैं तो टेस्टी नहीं है मैं नहीं खा सकता, इट इज वेरी कम्बर्सम। लेकिन यही बेस्ट चीज है, उसको क्या कर दिया सोल्यूबल फॉर्म में, ग्वार गम का पाउडर चिकोरी रूट एक्सट्रैक्ट माल्टोडेक्सिन में बना दिया, उसको इतना बढ़िया उसका रोल है जो आपके झाड़ू की तरह भी काम करेगा और पोचे का भी काम करेगा। पोचा मीन्स जो आपके इंटेस्टाइन्स में कहीं पे भी कोई भी टॉक्सिन्स या अनडाइजेस्टेड फूड पड़ा है उस सबको वो अपने अंदर स्वेल करके अब्सॉर्ब कर लेगा और अगले दिन वो एक्सक्रीट कर देगा। ये सारी चीजें इतनी इंपॉर्टेंट है दोस्तों जो फूड सप्लीमेंट की जब बात आती है। दूसरा है दे आर फॉर प्रिवेंशन ओनली, ये मैंने पहले भी बताया था आपको, एंड दे कैन बी टेकन फॉर द लॉन्ग टर्म। मेडिसिन जो है वो फॉर डिजीज होती है, वो थेरापेटिक्स के लिए होती है, प्रिवेंशन के लिए नहीं होती, थेरापेटिक्स होती है। अच्छा मैं बताऊँ आपको, एक फार्मास्यूटिकल डिवीजन एक फार्मा कंपनी का होता है, एक न्यूट्रास्यूटिकल डिवीजन होता है। न्यूट्रास्यूटिकल वाले क्या बनाते हैं, फूड सप्लीमेंट बनाते हैं। उनको पता है कि फूड सप्लीमेंट तो आज की तारीख में फार्मा के जितना ही उसकी भी इंपॉर्टेंस है। तो आज आप देख लें डॉक्टर्स बहुत सारे ऐसे फूड सप्लीमेंट आपको एडवाइस करते हैं जो आपको जाने अनजाने में आपको लेने पड़ते हैं, चाहे वो मल्टीविटामिन है, चाहे एंटीऑक्सीडेंट है, चाहे फाइबर है, चाहे वो ओमेगा 3 है, चाहे वो लाइकोपीन है, चाहे वो विटामिन B6 है, B12 है, बहुत सारे आपको विटामिन डी। आज देखो आप विटामिन डी डॉक्टर सारे लोग विटामिन डी टेस्ट करवा रहे हैं, B12 टेस्ट करा रहे हैं। उनको पता है ये दो ऐसे विटामिन है जो धूप से मिलते हैं और सब्जियों से मिलते हैं, वेजिटेरियन फूड में ज्यादा मिलते हैं क्योंकि वो कम होने वाले हैं आपके शरीर में और ज्यादा बीमारियां इन्हीं कमियों से होने वाली। कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये चीज हमें समझना। और वेस्ट चीज ने अपने फूड सप्लीमेंट, बेसिकली व्हाट इज वेस्ट चीज, इट इज ए फूड सप्लीमेंट कंपनी जिसने 2004 से समझ लिया था कि आने वाले टाइम में लाइफस्टाइल डिजीजेस होंगी, डिजीजेस नहीं होंगी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स होंगे। दोस्तों मैं साइंस की बात करूं, 1980 से पहले तक जो बीमारियां होती थी ना उनमें मलेरिया, टीबी, टाइफाइड, कॉलेरा जैसी बीमारी होती थी। 1980 के बाद में क्या होने लग गया, ये बीमारियां तो धीरे धीरे, अब आप नहीं देखोगे किसी घर में मलेरिया से या टाइफाइड से किसी की डेथ हो रही है, टीबी से डेथ हो रही है। अब किससे हो रही है, मलेरिया का हॉस्पिटल नहीं मिलेगा, टीबी का हॉस्पिटल नहीं मिलेगा अब आपको, अब आपको हार्ट के, किडनी के सेंटर, आईज के हॉस्पिटल, कैंसर हॉस्पिटल, ये सारे मिलेंगे। ये सारी चीजें जब अपन समझते हैं तो रिजिता जी मैं ये जानना चाहूंगा आपसे कि आगे हमें जो टॉपिक कवर करना है मैं उस पर आ जाऊँ या कुछ और आपका क्वेश्चन। बिल्कुल 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 सर उस पर आ जाइए। एक सवाल और भी है सर छोटा सा, एक हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स बड़ा इस सवाल को फेस करते हैं और कई बार उनका होता है कि मैम हमारे पास आंसर नहीं होता कि डॉक्टर्स रिकमेंड नहीं करते फूड सप्लीमेंट, और जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि B12 विटामिन डी के टेस्ट करवाते हैं डॉक्टर भी खासतौर से लिखते हैं, तो इस चीज सवाल का क्या जवाब है कि डॉक्टर्स भी रिकमेंड करते हैं, बस ये होता है कि वो केमिकल या फार्मास्यूटिकल वाला कर रहे होते हैं और आप कह रहे होते हैं नेचुरल न्यूट्रिशन न्यूट्रास्यूटिकल, राइट? मैं इसमें एक चीज और ऐड करूंगा कि हमें उन लोगों से, उन डॉक्टर से ज्यादा कंसल्ट करना है जो फूड सप्लीमेंट को भी समझते हैं। मैं कह रहा हूँ एक हमारी भी एक ग्रुप बन गया है डॉक्टर्स का भी जो फूड सप्लीमेंट्स को पूरा इंपॉर्टेंस देते हैं। कुछ लोग सोचते हैं नहीं फूड सप्लीमेंट इतने जरूरी नहीं है, तो फूड सप्लीमेंट अगर आपका फूड ही बैलेंस नहीं है तो आपको सप्लीमेंट तो लेना ही पड़ेगा, तो वो उस चीज को उस तरह से समझते हैं। लेकिन वो पेशेंट को देते टाइम सोचते हैं ये पेशेंट का आउटलुक है वो जाने कैसे लेगा। डॉक्टर्स कहते हैं हमारा काम है एंटीबायोटिक देना, पेन किलर देना, बीपी की दवाई देना, हार्ट की दवाई देना, उसी में उनका पर्चा इतना बड़ा हो जाता है। उसके बाद वो और कुछ डालेंगे तो आप बोलोगे डॉक्टर इतनी सारी दवाई मैं कैसे खाऊंगा। वो उनका जिम्मेवारी उन्होंने वेस्ट चीज को दे दी है कि भाई ये टेक केयर वेस्ट चीज एंड रिजुता मैम करेंगी, जो सारी इन्फॉर्मेशन आपको देती है वो आपको लेना पड़ेगा। परफेक्ट सर, सो प्लीज आगे के टॉपिक्स जो आप बताने वाले हैं हमें खास तौर से वो बताएं कि किस तरीके से हम हार्ट डिजीज से बच सकते हैं। तो न्यूट्रास्यूटिकल के बारे में रिजुता जी एक बहुत अच्छी कहावत है, वो है इट इज अ ऑयल इन पेट्रोल। आज मेरे पेट्रोल में मैंने क्या किया, एक ऑयल डाला उसमें, ये क्या है, अगर आप ऑयल नहीं डालोगे तो क्या होने वाला है, इंजन सीज हो जाएगा। हो जाएगा, बॉडी में भी सेम है, अगर आपकी बॉडी में फूड सप्लीमेंट अगर प्रॉपरली नहीं है तो आपका इंजन सीज हो जाएगा। और इंजन कौन है, हमारा हार्ट है। और ये हमारे पास जो फॉर्म होती है ये दो फॉर्म में आते हैं फूड सप्लीमेंट, रस और रसायन। जो आंवला है, एलोवेरा है, ओमेगा 3 ये फ्लैक्सीड है, ये है रस। और रसायन में है हमारे पास कॉम्बिनेशन ऑफ 4-5 आयुर्वेदिक कॉम्बिनेशन, जैसे किडनी हेल्थ, लीवर हेल्थ, टॉक्स क्लीन हमारा, ग्लूको हेल्थ, ये सारे जो है हमारे पास में, अभी जो प्रोस्टेट का प्रोस्टेट केयर आया, ये सारे कॉम्बिनेशन है। तो दोस्तों ये सारी चीजें हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है ये हमें समझनी है। और इसके बाद में मैं बताऊंगा विजन, फ्यूचर विजन की बात बता रहा हूँ। आने वाले टाइम में जब जेनेटिक काउंसिलिंग होगी
तो डॉक्टर्स आपको ये बताएंगे कि अब आपको जेनेटिकली ये आपके खानदान में पहले बीमारियां आती रही हैं, आने वाले टाइम में इन बीमारियों से बचने के लिए आपको कुछ फूड सप्लीमेंट लेने पड़ेंगे, वो आपका ये होगा जो आज वेस्ट इंडीज ने आपको हर सेगमेंट में दे दिया कि आप इसको लेकर के आप हेल्दी रह सकते हैं। इसे कहते हैं न्यूट्री जेनेटिक्स। ये फ्यूचर की बात बता रहा हूँ। न्यूट्री जीनोमिक्स क्या होगा? जब आप न्यूट्रिशन लेंगे तो आपके जीन्स जब हेल्दी हो जाएंगे तो आप न्यूट्री जीनोमिक्स का फायदा ले रहे हैं। जीन एडिटिंग आप कर पाएंगे। आपने देखा होगा नैनोबॉट्स, आने वाले टाइम में आपका जो ग्लूकोजामाइन है ना, वो आपको कैप्सूल फॉर्म में तो ले ही सकते हैं आप, वो तो लेंगे ही। एक नैनोबॉट्स है, रोबोट्स आएंगे, वो नैनोबॉट्स के रूप में आएंगे। वो क्या करेंगे, आपके जैसे ही आप उस नैनोबॉट को खाएंगे, वो नैनोबॉट सीधा आपके घुटने में जाके ग्लूकोजामाइन वहां पर ट्रांसफर करेगा और निकल जाएगा। मतलब तो बिल्कुल स्पेसिफिक होने वाला है। स्टेम सेल्स, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि स्टेम सेल जो अगर आपने कहीं पे भी पढ़ा होगा, उसका फ्यूचर यही है कि अगर आपका बॉडी का कोई पार्ट डैमेज होता है तो स्टेम सेल आपकी वो उस जगह लगा दी जाएंगी और वो रीजनरेशन वापस उस हार्ट का या लीवर का किडनी का रीजनरेशन हो जाएगा। इस चीज में भी न्यूट्रिशन सप्लीमेंट अगर आपने नहीं लिया तो रीजनरेशन पॉसिबल ही नहीं है। और रिसर्च सारी अब प्रिवेंशन पे हो रही है। रिसर्च जो थी ना थेरापेटिक्स पे अब नहीं हो रही है, प्रिवेंशन पे ज्यादा रिसर्च हो रही है। उनको पता लग गया है एंटीबायोटिक्स की रिसर्च 5 ग्रेड 6 ग्रेड मतलब इतनी लेवल स्टेज तक की रिसर्च हो चुकी है, अब वो रिसर्च उधर नहीं हो रही है। अब उनको पता लग गया कि अगर आपने इम्यूनिटी को वैसी 17 साल से कह रहा है इम्यूनिटी ठीक रखो, वैसी 17 साल से कह रहा है अपनी इम्यूनिटी को एंटीऑक्सीडेंट लो, इम्यूनिटी अच्छी रखो, जो आज कोरोना की वजह से हम लोग रोज रोज सुन रहे हैं। तो फूड सप्लीमेंट की जो बात करें, इट इज $1 trillion इंडस्ट्री। आप फ्यूचर की बात करें ना, $1 trillion इंडस्ट्री है। एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हुए पॉल जेन पिंजर, वो कह रहे हैं इतनी बड़ी इंडस्ट्री है कि आपका जो फूड है ना वो मेडिसिन जैसा होगा, मेडिसिन फूड की तरह का, फूड बी योर मेडिसिन, मेडिसिन बी योर फूड, इस तरह से बहुत कुछ होने वाला है। उसके बाद में आपने ये समझ लिया एसेंशियल विटामिन। दोस्तों एसेंशियल नाम लगते ही समझ जाना ये बॉडी में नहीं बनते हैं। तो एसेंशियल विटामिन हो गए, एसेंशियल मिनरल्स हो गए, एसेंशियल अमीनो एसिड्स हो गए, एसेंशियल फैटी एसिड्स हो गए। अब बताइए ये आपको बाहर से लेना पड़ेगा कि नहीं लेना पड़ेगा? एसेंशियल अमीनो एसिड्स मैंने नहीं लिया मान लीजिए बाहर से, तो मेरी बॉडी में जो प्रोटीन बनने वाला है, जो मेरा बिल्डिंग ब्लॉक है, वो अगर मेरी बॉडी में नहीं जाएगा तो कैसे हार्ट हेल्दी रहेगा, कैसे मेरा लीवर हेल्दी रहेगा, किडनी हेल्दी रहेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था दोस्तों। और एक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है जिसको मैं चाहता हूँ पहले टाइम फिनिश हो उससे पहले मैं ले लूँ, वो है LRG9। दोस्तों ये ऐसा प्रोडक्ट है हार्ट के लिए जिसके बारे में आपको हो सकता है नॉलेज हो, मैम ने ट्रेनिंग दी है, लेकिन LRG9 इट इज एसेंशियल अमाइनो एसिड जो हमारे खाने में मिलता है। इसका दूसरा नाम है पेंटेनोइक एसिड। ये हमारे खाने में मिलता है, रेड मीट में मिलता है, अंडे में मिलता है, फिश में मिलता है, डेयरी प्रोडक्ट्स में मिलता है, लेंटिल्स में मिलता है, सोयाबीन में मिलता है, चिकपीज में, पीनट्स में, पंपकिन सीड्स में, ये सब में मिलेगा। पर इसका काम क्या है? आरजीन अमीनो एसिड प्रोटीन तो बनाएगा ही बनाएगा, एक हमारे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है दोस्तों। ये लाइन समझ लेना, ये आरजीन जो है ना ये कन्वर्ट होता है सिट्रुलिन नाम के अमीनो एसिड। आरजीन जब सिट्रुलिन बनेगा तो क्या फायदा होगा, उसमें से नाइट्रिक ऑक्साइड। दोस्तों ये नाइट्रिक ऑक्साइड क्या है, थोड़ा सा मैं 2 मिनट उसमें लेना चाहूंगा। नाइट्रिक ऑक्साइड बॉडी में कुदरती रूप से बनने वाली चीज है, जो हमारी खून की नसों की जो अंदर वाली लेयर है, जो हमारी अंदर की जो नसें की, खून की जो नसों की अंदर की जो लेयर होती है, वहां पे नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है और 40 साल की उम्र तक खूब बनता है। अब अगर हमने स्ट्रेस पहले ले लिया, ज्यादा ले लिया, और वो फ्री रेडिकल का अटैक जा करके वो नसों की जो दीवारें अंदर सी उसको डैमेज कर दे, ऑक्सीडेशन होगा वहां पे, अगर डैमेज हो गई तो वहां पे क्रैक्स आ जाएंगे। अगर उस ब्लड वेसल में क्रैक्स आ गए तो क्या जमेगा वहां पे? कोलेस्ट्रॉल जमेगा, प्लाक्स बन जाएंगे, एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाएगा, नैरोइंग हो जाएगी। अब अगर नाइट्रिक ऑक्साइड भी बनना बंद हो गया, कम हो गया, तो जो उसकी वेसल्स की जो फ्लेक्सिबिलिटी थी और जो उसकी एक्सपेंड होने की कैपेसिटी थी वो भी खत्म हो रही है। तो 40 के बाद में खास तौर से अगर आपकी ब्लड वेसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी कम हो गई और उसमें रिजिडिटी बढ़ गई और वो हार्ड हो गई, तो दोस्तों आप ये समझ के चलो कि ऑक्सीजन की कमी से तो हो सकता है 3 से 4 मिनट बाद डेथ होती है। नाइट्रिक ऑक्साइड अगर एक लेवल से नीचे चला जाए तो 15 से 20 सेकेंड में ही। दोस्तों ये बात शायद आपको समझ में नहीं आ रही होगी, नाइट्रिक ऑक्साइड के लिए हमारे पास LRG9 एक प्रोडक्ट है जो हमारे लिए मस्ट है।
इसके लिए बीमार होने की जरूरत नहीं है, इनफर्टिलिटी में भी काम करेगा, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में भी काम करेगा LRG9। लेकिन अगर नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोडक्शन के लिए हमारे पास डायरेक्ट जो काम करने वाला प्रोडक्ट है, जबरदस्त प्रोडक्ट है LRG9, जिसमें प्लांट कोलेस्ट्रॉल भी है, रेस्वेराट्रॉल, मतलब आप सोचो कितनी सारी चीजें वैसी जो हमारे लिए बना के रख दी है और इतना टेस्टी है। अगर आप उसको लेंगे पाउच फॉर्म में, तो नाइट्रिक ऑक्साइड का जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये समझ लीजिए ये अमृत है। अगर आपकी बॉडी में नाइट्रिक ऑक्साइड बनता रहा टाइमली पूरा, तो ये आपकी नसों को खुला रखने में तो काम करेगा ही। ये एंटी इंफ्लेमेटरी है। अब आप अगर एस्प्रिन ले रहे हैं खून पतला करने के लिए, एंटी प्लेटलेट भी है ये। अगर आप पेन किलर ले रहे हैं कॉम्बीफ्लाम या कोई भी डाइक्लोफेनेक, तो ये एंटी इंफ्लेमेटरी है, उस इन्फ्लेमेशन को भी कम करेगा। फिर अगर आप ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं आप, ऐसी कोई दवाई ले रहे हैं जो आपकी आइसोडिल सॉर्बिट्रेट, आपकी खून हार्ट की जो नसें उनको खोलने के लिए लोग दवाई लेते हैं, उसे कहते हैं सॉर्बिट्रेट आइसोडिल। अगर वो ले रहे हैं, इसका मतलब आप खून की नसों को फैलाना चाह रहे हैं ताकि आपकी सप्लाई बनी रहे। अगर नाइट्रिक ऑक्साइड पूरी मात्रा में है, ये आपकी नसों को खोल के रखेगा। ये एंटी बैक्टीरियल भी है, एंटी वायरल भी है। आप सोचो अभी हम एंटी वायरल फेज में गुजर रहे हैं, हमारे लिए नोनी क्या है बेसिकली, उस पर मैं हूँ मोरिंडा सिट्रिफोलिया, जो हमारा प्रोडक्ट है नोनी कैप्सूल्स, दोस्तों इतना ज्यादा उसका बेनिफिट हमने लिया, ऑक्सीजन लेवल बढ़ा देता है, वो सर्कुलेशन इंप्रूव कर देता है, LRG9 वो नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोडक्शन बढ़ा देता है। तो एंटी वायरल है ये, वायरस को कंट्रोल करता है, एंटी फंगल है, एंटी प्लेटलेट है, एंटी स्पाज्मोडिक है। आज लेडीज है, उनका प्री मेंस्ट्रुअल पेन होता है, पीरियड आता है उससे पहले एक दो दिन पहले उनको इंडिकेशन होता है कि अब आने वाला है पीरियड, तो वो पीरियड से पहले वाले पेन को प्री मेंस्ट्रुअल पेन कहते हैं। अगर कोई लेडी लोनी ले रही है तो उसको वो प्रॉब्लम भी नहीं होगी। एंटी कैंसरस है हमारा नाइट्रिक ऑक्साइड, तो नोनी लेने से आप एंटी कैंसरस प्रोडक्ट भी आप बेनिफिट ले रहे हैं, एंटी मतलब बीपी कंट्रोल करने में भी मदद कर रहे हैं। नेचुरली जब ब्लड वेसल खुलेंगी तो बीपी कंट्रोल होगा। इम्यून एनहांसर है ये, एंटी डायबिटिक है, इंसुलिन बनाने में भी हेल्प करता है। मतलब आप कई लोगों को लग रहा है कि मतलब नोनी हम अगर नहीं ले रहे हैं तो आप समझ लीजिए आप सी बकथॉर्न लीजिए बहुत अच्छा है, आप क्रील ऑयल लीजिए, नहीं, नोनी इज ए वंडर वंडर प्रोडक्ट। एंटी पैरासाइटिक है, एंटी पैरासाइटिक मतलब अगर पेट में कीड़े हैं ना तो भी वो उससे आपके, अब आप बताओ कोई चीज बची क्या। एंटी ऑक्सीडेंट मैंने बोल ही दिया। वाइग्रा लाइक काम करता है, वाइग्रा, वाइग्रा बेसिकली क्या होता है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में मेल का एनहांसर है। अब वो अगर वाइग्रा की तरह से भी अगर ये काम करता है, हाँ एक चीज हो सकती है, नाइट्रिक ऑक्साइड जब बनता है तो जब आप नोनी लेते हैं तो हो सकता है जब ब्रेन की सर्कुलेशन ब्लड वेसल्स खुल जाए तो हो सकता है उसमें आपको सिर में थोड़ा सा भारीपन, आप देखना जब भी आप जीभ के नीचे हार्ट के पेशेंट जब गोली रखते हैं आइसोडिल तो उनका सिर भारी हो जाता है, हार्ट का पेन तो ठीक हो जाता है लेकिन सिर भारी हो जाता है। तो कई लोग कहते हैं सर नोनी लेने से है ना हमारे सिर में काफी भारीपन आ गया, दर्द हो गया। कई लोग कहते हैं सर इससे हमारा पेट में ना लूज मोशन चालू हो गए, तो इसका मतलब उसने कुछ ऐसा काम किया है जो आपकी बॉडी में से गंदगी को हटाने का काम किया है। तो ये आपको दो तीन दिन रहेगा, तो इसके लिए हमारा लेने का तरीका भी ये, शुरू में हफ्ते में 5 दिन लीजिए, एक एक कैप्सूल लीजिए, ऑल्टरनेट लीजिए, और जैसे जैसे आपको ये सूट कर जाए उसके बाद आप रेगुलरली आप इसको लीजिए। एक चीज और है, हमारे जो बच्चे हैं ना, बच्चों के अंदर भी नोनी का जबरदस्त रोल है। वो क्या है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, एक ऐसी बीमारी होती है, बच्चे इतने शरारती हो गए हैं, कोई भी चीज को उनका काम है तोड़ना। मेरे कोई कजन था, उसने अपने बच्चे के लिए लेके आया पोते के लिए खिलौना, दुकानदार ने कहा था गारंटी है साल भर नहीं टूटेगा, और वो 15 मिनट बाद में वापस दुकानदार के पास गया, ले भाई तोड़ दिया, वो कह ऐसे टूटा ही नहीं सर आज तक, वो कह ऐसे बच्चे आ गए अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव, तो उनको पढ़ाई में कहीं ध्यान लगे नहीं लगे, वो हर चीज को, तो उसके अंदर भी इसका बहुत जबरदस्त रोल है। और अचानक अगर ये लेवल कम हो जाता है, मैंने पहले भी बताया नाइट्रिक ऑक्साइड का लेवल, तो दोस्तों ये साइंटिफिकली प्रूवन है नाइट्रिक ऑक्साइड के जो बेनिफिट्स हैं, चाहे हमारे फूड सप्लीमेंट है, उन बहुत सारे प्रोडक्ट नाइट्रिक ऑक्साइड बनाने में मदद करते हैं, लेकिन LRG9 और नोनी उसमें खास है। ये मोटा मोटा मैं बताना चाह रहा था कि जो चीजें आज हम कर रहे हैं, आज मेरी बॉडी के अंदर बहुत सारे स्ट्रेस है, स्मोकिंग है, हाई बीपी है, एक्सरसाइज की कमी है, ओबेसिटी है। अब बताइए ओबेसिटी के लिए हार्ट कैसे बेचारा अपने आप को बचाएगा, हमारे पास पूरी स्लिमिंग रेंज है, उसके लिए पूरे सेशंस है आपके लिए मैम ने तैयार कर रखे हैं। कंपनी बार बार ट्रेनिंग दे रही है कि आप अपने हेल्थ को बनाए रखिए, आपके घुटने भी ठीक रहेंगे, आपके हार्ट भी ठीक रहेंगे। उसके बाद में कोलेस्ट्रॉल हमारा डिस्टर्ब है, एंड वी एशियंस आर प्रोन टू हैव हाइपर ट्राइग्लिसराइडीमिया,
हमारी नेचर है बॉडी की कि हमारा ट्राइग्लिसराइड और एल्डिहाइड ज्यादा ही रहेगा, कोलेस्ट्रॉल ज्यादा ही रहेगा। अब बताइए मार्केट में आपने अगर लिपिड प्रोफाइल करा लिया, आपको पता लगेगा कि मैं तो तेल भी जो खा रहा हूँ, राइस ब्रान ऑयल तो खा नहीं रहा हूँ, तो उधर भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, इधर मैं जो डॉक्टर की दवाई ले रहा हूँ। जितने भी लोग कोलेस्ट्रॉल कम करने की दवाई लेते हैं, प्लीज अंडरलाइन इट, जितने भी लोग कोलेस्ट्रॉल कम करने की दवाई लेते हैं उनको कहते हैं स्टेटिन्स। दवाई तो लेनी पड़ेगी, कोलेस्ट्रॉल ज्यादा रहेगा तो डॉक्टर कहेगा भी आपका ब्लॉकेज बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा, उससे एक बीमारी तो ठीक होगी, कोलेस्ट्रॉल कम होगा, ये चार बीमारियां उसके साथ में आपको गिफ्ट में कौन कौन सी होंगी। सबसे पहले तो आपका Q10 जो होता है ना, जो बॉडी में नॉर्मल बनने वाला मॉलिक्यूल है कोएंजाइम Q10, वो आपका वीक हो जाएगा। अब आप बताइए आपने लिया हार्ट के लिए था कोलेस्ट्रॉल के लिए, और उसने आपका इधर आपकी सेक्सुअल वीकनेस शुरू हो जाएगी, ऐसे इसके साइड इफेक्ट इतने हो जाएंगे स्टेटिन्स के, आपको वीकनेस आ जाएगी, आपको लगेगा ही नहीं कि मेरी बॉडी में एनर्जी है। तो ये बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं। अब दोस्तों अगर हमने इसको स्टेटिन को बंद किया तो डॉक्टर कहेंगे नहीं साहब हमने तो बोला था, लेकिन अगर आप रेगुलरली इन चीजों को आप फूड सप्लीमेंट को ले रहे हैं, फाइबर ले रहे हैं, प्रोटीन ले रहे हैं, तो उससे मेरी गारंटी है आपको डेंजरस लेवल तक नहीं जाने देगा और आपको प्रोटेक्ट करके रखेगा। परफेक्ट सर। सो सर आपने कोएंजाइम Q10 का बहुत ही अच्छा रोल बताया, थोड़ा सा और कोएंजाइम Q10 को हम एनहांस कर सकते हैं कि किस तरीके से, किन किन लोगों के लिए कोएंजाइम क्यों बहुत अच्छा है, जैसे एंजाइना की जिनको प्रॉब्लम है या एरिदमिया की प्रॉब्लम है, राइट? यस बिल्कुल, उस केस में हम दे सकते हैं। जितनी भी मायोपैथीज है, कार्डियोमायोपैथी, कार्डियोमायोपैथी मतलब क्या होता है, मसल्स जो ओवरऑल है ना वो उतनी एनर्जेटिक नहीं रहती है, और इनका डॉक्टर्स के पास में HOCM करके कार्डियोमायोपैथी हाइपर एक्टिव कार्डियोमायोपैथी है, तो उसका डॉक्टर के पास में फिर कोई इलाज नहीं है। तो अगर हमने Q10 को बराबर यूज किया तो हमारे बॉडी में उसकी डेफिशिएंसी नहीं होगी, तो हार्ट अपना पूरा काम करेगा, आपको कार्डियोमायोपैथी का फेस नहीं करना पड़ेगा। ये वो बीमारी है जो बहुत ज्यादा कॉमन नहीं है, लेकिन अगर हो जाती है तो उसके बाद में आपकी जो एनर्जी लेवल है हार्ट की वीक हो जाती है। एरिथमियाज है, एंजाइना है, इन सबसे बचना ही है हमको, तो खाली एक चीज का ध्यान नहीं रखें, आपको पूरा EARN पे चलना पड़ेगा। और निश्चित तौर से हम लोग जिस इंडस्ट्री में है वह हम लोग हैप्पी हार्मोन्स, आप सोचिए आज मैं फूड सप्लीमेंट के साथ साथ जो मेरी मीटिंग्स होती है जूम पर, इतनी ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी में हम रहते हैं। अदरवाइज स्ट्रेस एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिसको आज पूरा हम नहीं कर पाएंगे, स्ट्रेस अपने आप में इतना बड़ा टॉपिक है जिसकी वजह से हम लोग बहुत ज्यादा बीमारी, हार्ट को बीमारियों को, जितना भी डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, ये बहुत बड़ा कारण है जो हम, और ये एंग्जाइटी डिप्रेशन स्ट्रेस को अगर कम करना है तो आपके अपने वर्क को नेटवर्क में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और बेस्ट ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी आपके लिए, यू नो वेरी वेल, आज वैसी ने हमको 17 साल में प्रूव कर दिया कि हम इंडिया में तो सक्सेसफुल थे ही थे, हम वर्ल्ड में भी आगे बढ़ रहे हैं और एवरी ईयर वी आर ग्रोइंग। और जो इनका मैनेजमेंट है, इट इज द विजनरी मैनेजमेंट, दीपक सूद सर, कन्वर वीर सर एंड गौतम बाली जी, इन लोगों ने प्रूव कर दिया कि आप लोग अपना काम करिए, रेस्ट वी विल टेक केयर। आप अपना काम करिए, लोगों को पॉजिटिव एनर्जी से भर दीजिए, बाकी सब कुछ हम ध्यान रखेंगे। थैंक यू मैडम, कुछ और आप ऐड करना? सर मेरे पास एक क्वेरी है, क्योंकि हम हार्ट डिजीजेस के बारे में तो बहुत सारी बातें करी हमने और बहुत सारे सप्लीमेंट्स आपने बताए कि LRG9 कितना इम्पोर्टेंट है, नोनी, कोएंजाइम Q10, सर फ्लैक्स ऑयल का थोड़ा सा रोल हमें जरूर से बताइए, फ्लैक्स ऑयल, क्रिल ऑयल किस तरीके से मदद करेगा? देखिए दोस्तों, फ्लैक्स ऑयल के अंदर जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है ओमेगा 3, और ये लिनसीड जो फ्लैक्सीड ऑयल है, इट इज द गुड फैट जो हमारी बॉडी नहीं बनाती। आज जो भी आप खाना खाएंगे वो बैड फैट में कन्वर्ट हो जाता है और वो स्टोर हो जाता है। आज हम अगर ओमेगा 3 का सोर्स देखें तो या तो हमें फ्लैक्सीड लेना है या हमें फिश खाना है, दैट इज नॉट द रूटीनली हम उतना नहीं खा पाते। फ्लैक्सीड मैंने कभी खाने की कोशिश भी की होगी तो एक दो दिन और एक आध चम्मच से ज्यादा, वो भी भुनी हुई, पता नहीं किस तरह से खाई होगी, वो भी रेगुलर नहीं। तो ओमेगा 3 इज द ओनली वे जहां हम एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है, एंटी प्लेटलेट है, हम हार्ट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, हम अपनी किडनी लीवर को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, हम हमारी पूरी बॉडी को ओवरऑल, क्योंकि जितनी भी हमारी नर्व्स है ना, देखिए एक तो आर्टरी होती है, एक वेन्स होती है, एक नर्व्स होती है। नर्व्स का मतलब क्या होता है, जो हमारी सेंसेशन को कैरी करती है, उनकी जो आउटर कोटिंग है वो फैट से बनी होती है। और दोस्तों बताओ, अगर बैड फैट से बनी हो तो क्या वो अच्छा काम कर पाएंगी नर्व्स हमारी? तो दैट मींस ओमेगा 3 इज वाइटल फॉर अस। सेम है ब्रेन में, 70% फैट है हमारा। अब आप बताइए 70% फैट है, अब उसको हमें हेल्दी रखना है, नहीं तो क्या होगा, अल्जाइमर, डिमेंशिया, कॉग्निटिव फंक्शन डिसऑर्डर, वो ब्रेन पे अलग चले जाएंगे। लेकिन कंपनी ने उसके लिए ओमेगा 3 क्रिल ऑयल के बाद में एक और फॉस्फोलिपिड दे दिया हमको, बेटा माइंड। तो मैं ये कहना चाहता हूँ,
बेस्ट चीज ने पूरा आपको पैकेज दिया हुआ है एंड ओमेगा 3 इज द बेस्ट प्रोडक्ट जो आज की तारीख में इकोनॉमिकल अफोर्डेबल एंड ट्रस्टेड एंड ट्राइड, जिनको आज हमारे पास इतने टेस्टिमोनियल्स है जो प्रूवन है, जिन लोगों को हार्ट था, बीपी था, जिन लोगों को डॉक्टर्स ने कह दिया था कि आपको अब जल्दी से बाईपास करा लेना चाहिए। डॉक्टर मैं ये नहीं कह रहा हूँ हर एक को ये चीज लागू होगी, पर हमारे पास ऐसे टेस्टिमोनियल जिन लोग जो लोग वेट कर सकते थे उन लोगों का चलिए अभी हमारे पास एक दो महीना है डॉक्टर के अपॉइंटमेंट में ऑपरेशन में, तब तक हम ओमेगा 3 लेते हैं। रीता जी देवर प्रूवन कि वो जब दोबारा डॉक्टर के पास गए, जब उनकी दोबारा जांच हुई तो कहने लगे ये पेशेंट चेंज हो गया, क्या आपके पास तो ब्लॉकेज है ही नहीं, आपके तो प्रॉब्लम ही नहीं है, ये प्रूवन हमारे पास टेस्टेड टेस्टिमोनियल्स है। तो वी आर लकी ब्लेस्ड कि हमारे पास ऐसे बेस्ट ऑफ द बेस्ट अफोर्डेबल है, अवेलेबल है और टेस्टेड ट्रस्टेड है। थैंक यू, वेरी नाइस, अफोर्डेबल अवेलेबल एंड ट्रस्टेड, तो ये तीन लाइन हमेशा याद रखिएगा कि अफोर्डेबल, ट्रस्टेड और जो है अवेलेबल है आपके पास ये फूड सप्लीमेंट जो आपको बीमारियों से बचा सकते हैं और अगर हो गई है तो उसे जल्दी ठीक करने में आपकी मदद कर सकते हैं। सर समय कम है लेकिन सवाल बहुत सारे हैं मेरे पास। एक जी, जी, जी। जैसे कि मैंने बताया कल मैं बहुत सारा आपके बारे में नेट पर रिसर्च करी थी तो मैंने देखा कि जोधपुर में आप बहुत ज्यादा फेमस है, हॉस्पिटल्स रन कर रहे हैं और इतना बिजी शेड्यूल है आपका और उसके बावजूद भी वे टीच कर रहे हैं और डीसीडी लेवल पे है, तो सर ये थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन बीइंग अ डॉक्टर और ऐसे नोबल प्रोफेशन में कैसे नेटवर्क मार्केटिंग में आए और किस तरीके से आपने इस पर काम करना शुरू किया, थोड़ा सा इसके बारे में भी बताइए सर, क्योंकि इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। रीता जी, डॉक्टर्स हो या कोई भी ह्यूमन बीइंग तो है, और हम लोगों को अगर हम ओपन माइंडेड है, हमारे रिफ्लेक्सेस सेंसेस काम कर रहे हैं, हमको स्मेल आती है कि आज की तारीख में क्या चीज है जो मुझे बेटर कर सकती है, मेरी फैमिली को हेल्दी रख सकती है, तो मुझे टेंशन फ्री होना है अगर, तो मुझे अपने वर्क को नेटवर्क में कन्वर्ट करना था। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, जितने भी टॉप जो अमीर लोग हैं दुनिया के, उन लोगों ने अपने वर्क को नेटवर्क में कन्वर्ट कर दिया है और वो फ्री हो गए। अब इतना कॉमन सेंस तो एज ए डॉक्टर है, MD हो तो क्या हो गया, थोड़ी है कि मेरे अंदर कॉमन सेंस की कमी हो गई, बस मुझे एक ही चीज दिख रही है। हाँ, शेयर्स में मैंने पैसा लगाया, मैंने प्रॉपर्टी में पैसा लगाया, मैंने हर जगह पैसा लगाया, तो मैंने अपनी दो मेरी सिकनेस क्लिनिक्स है, दो हॉस्पिटल है, मेरी सिकनेस हॉस्पिटल, एक मेरा वेलनेस हॉस्पिटल है ये। अब इस वेलनेस इंडस्ट्री की पावर, ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्री है, इतनी बड़ी इंडस्ट्री को क्या मैं ऐसी छोड़ दूं? क्या मुझे अपने फैमिली के लिए टाइम फ्रीडम नहीं चाहिए? क्या मुझे मनी फ्रीडम नहीं चाहिए? अभी हम लोग बिफोर लास्ट ईयर 2019 में हम लोग क्रूज पे थे, मैं पहले भी फार्मा कंपनीज के थ्रू, हॉस्पिटल के थ्रू भी हम लोग आउट ऑफ द कंट्री गए हैं, लेकिन इस ट्रिप का मैं कह सकता हूँ देयर वाज नो कंपैरिजन, क्योंकि कोई स्ट्रेस ही नहीं था, सब लोग हमारे लाइक माइंडेड लोग थे। इट वाज द वर्ल्ड ट्रिप, क्रूज के अंदर गए थे हम लोग थाईलैंड और इसमें मलेशिया ट्रिप में, इट वॉज अराउंड 6 डेज ट्रिप। गौतम बाली सर, दीपक सूद सर, कन्वर वीर और हमारे मेंटर्स और हमारी पूरी टीम, करीब 1700 से ज्यादा लोग थे इस क्रूज पे, और आई कैन से बेस्ट ऑफ द बेस्ट पीरियड टाइम था मेरे लाइफ का। तो ऐसी लाइफ को कैसे छोड़ दूं मैं, बताओ आप, ऐसी लाइफ किसको नहीं चाहिए? डॉक्टर ने तो क्या इंसान नहीं है, हमको नहीं समझ में आता कि एक आदमी मेरे साथ वाला अगर लोगों की हेल्प करके, लोगों को अच्छा न्यूट्रिशन बता के, लोगों को पैसा कमाना सिखा रहा है और उनके भलाई से उसका भला हो रहा है, तो ये कुछ भी इसमें अलग नहीं था, नया नहीं था, जो मुझे समझ में नहीं आया, मुझे सिर्फ इतना समझ में आया कि मेरे को अगर लिवरेजिंग कंपाउंडिंग का मतलब समझ में आ रहा है, एक्टिव इनकम पैसिव इनकम का मतलब समझ में आ रहा है, मुझे हार्ड वर्क स्मार्ट वर्क का मतलब समझ में आ रहा है, मुझे पता है कि प्लान बी मेरा इनकम का होना चाहिए, क्योंकि कल मैं अगर अपने हॉस्पिटल में नहीं मिलता हूं तो मेरी इनकम क्या हो जाएगी, माय इनकम माइनस मी इज 00। यहां मुझे पता है मेरा नेटवर्क है मोर देन 1 लाख लोगों का, अब मैं अगर काम कर रहा हूं तो भी पैसा आ रहा है, मैं काम नहीं भी कर रहा हूँ तो इट इज ए मतलब टोटल ट्रांसफॉर्मेशन, बस ये क्लिक हो गया। इट इज ए मतलब मेरे को पैसे कमाने की जो यहाँ पे जो साइंस आ गई ना, वो समझ में आ गई कि व्हाट इज द नेटवर्क, मीनिंग ऑफ नेटवर्क, और मेरा नेटवर्क इज माय नेटवर्थ। तो रीजा जी, इट इज अ कॉमन सेंस गेम, जो मुझे भी कॉमन सेंस था मैंने यूज किया। इट हार्डली मैटर्स मैं डॉक्टर हूँ, मेरी वाइफ आई सर्जन है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वी डोंट वांट दिस अपॉर्चुनिटी। बिल्कुल सर, और आई थिंक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है वेस्टीज पर जहाँ पे आपको हेल्प भी मिलता है, सक्सेस भी मिलता है, रिकग्निशन भी मिलता है, मतलब जितनी भी चीज़ें आप सोच सकते हैं, जो जो आपको दुनिया में चाहिए वो सारी चीज़ें आपको सिर्फ एक प्लेटफॉर्म पे मिल जाती है। मैं इस चीज़ को कहना नहीं चाहती सर, बट फिर भी आई डोंट थिंक कि आप ओपेंडेड पी करेंगे,
अगर बीइंग अ डॉक्टर आपको जोधपुर में लोग जानते हैं या राजस्थान में लोग जानते हैं, लेकिन अगर बीइंग अ वेस्टिजियन की बात करूं तो शायद आज सिर्फ भारत में नहीं विश्व में भी लोग डॉक्टर रवि को जानते हैं, जो डीसीजी लेवल पे हैं और वो क्या कर रहे हैं उनके बारे में सर्च की जाती है. सो नेशनली नहीं इंटरनेशनली भी आप रिक्लेम कर सकते. Yes, true, it's right, 100%. मुझे जो रिकॉग्निशन मिला है, मुझे जो मान सम्मान मिला है बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे, तो मेरे मेडिकल प्रोफेशन से और भी ज्यादा मुझे एक्स्ट्रा मिला है. तो आई एम वेरी लकी, आई फील प्राउड ऑफ टू बी अ वेस्टिजियन. बिल्कुल. सो आई थिंक आज आप लोगों को उन सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे कि हमें कौन कौन सी हृदय संबंधित बीमारियां हो सकती हैं, कौन कौन से हमें सप्लीमेंट्स लेने चाहिए जो हमें प्रिवेंशन में मदद करेगा, और इसके साथ साथ अगर प्रॉब्लम हो गई है तो कौन कौन से आप सप्लीमेंट्स ले सकते हैं जो आपकी मदद करेगा आपको जल्दी रिकवर करने में. और इसके साथ साथ आज ये भी जाना कि वेस्टिज क्यों करना है, राइट? और जो ये एक सवाल आप हमेशा फेस करते हैं कि डॉक्टर सप्लीमेंट रिकमेंड नहीं करते, आज सर ने उसको भी बखूबी बता दिया और ये भी बताया कि अच्छी सेहत का राज सिर्फ इतना सा है कि आपको उसे अर्न करना पड़ेगा, यूं ही आपको नहीं मिलेगी, राइट? सो अर्न करना पड़ेगा. तो थैंक यू सो मच सर, दैट वाज रियली फैबुलस. और मुझे बहुत कुछ आज इस सेशन में सीखने को मिला, एंड आई एम श्योर हमारे साथ जितने लोग जुड़े थे उन्हें भी जरूर से इन चीजों के बारे में सीखने को मिलेगा. तो सर जाते जाते आप क्या कहना चाहते हैं लोगों से? दोस्तों देखो, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, एक लाइन तो मैं सबको बोलता हूँ जो भी मेरी टीम में है. और आज का पल को अगर जीना है, नहीं होता क्या है, हम कल के लिए प्लानिंग करते हैं और जब कल आता है तो फिर हम उसको नहीं करके फिर आगे की प्लानिंग करते हैं. दोस्तों ये इंडस्ट्री ऐसी है, डायरेक्ट सेलिंग वेस्टिज, जिसमें आप आज को भी एंजॉय कर रहे हो और कल भी आपका सिक्योर्ड है. दूसरी चीज जो मैं सबसे ज्यादा बोलता हूं मैं, कि कर भला तो हो भला. इसमें बहुत क्लियर मैसेज है दोस्तों, अगर मैं अपनी टीम को मैं ग्रो करने में हेल्प नहीं करूंगा तो मैं नहीं करूंगा. तीसरी चीज जो मैं फाइनली बोलता हूं, हेल्थ वेल्थ और हैप्पीनेस कंप्लीट पैकेज अगर आपको चाहिए तो आपको इस इंडस्ट्री में, और जो जो अपने बीवी बच्चों से करे प्यार, जो अपने बीवी बच्चों से करे प्यार, वो भला वेस्टिज से कैसे करे इनका? बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल. और आई थिंक आपने बिल्कुल सही बात कही कि जो अगर अपनी फैमिली से प्यार करते हैं तो बिल्कुल वेस्टिज आपको करना पड़ेगा, क्योंकि वेस्टिज आपको सिर्फ आज के लिए नहीं भविष्य के लिए भी सुरक्षित करता है, क्योंकि हमें नहीं पता कि कब क्या होने वाला है या कब क्या चीजें बदल जाएंगी, किस तरीके से चीजें बदल जाएंगी. कि वेस्टिज ही है जो आपके आज को तो संवारता ही संवारता है, आपके कल को भी बेहतर करता है. तो थैंक यू सो मच सर, दैट वाज रियली वंडरफुल. एंड थैंक यू एवरीवन जिन्होंने इस सेशन को ज्वाइन किया. बहुत सारे लोग मुझसे वीडियो के लिंक मांग रहे हैं, सो वो वीडियो के लिंक आपको सेशन खत्म होने के 1 से 1.5 घंटे बाद यूट्यूब चैनल जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ उस पर अपलोड करूंगी मैं, आप उस पर देख सकते हैं, लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं. पर कोशिश कीजिए कि ज्यादा से ज्यादा लोग लाइव मीटिंग अटेंड करें, क्योंकि उससे बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होता है और सर जो चीजें बताते हैं उसको आप तुरंत ही नोट कर सकते हैं. सो वंस अगेन थैंक यू सो मच, थैंक यू डॉक्टर रवि फॉर गिविंग सो गुड इनसाइट्स इतनी बेहतरीन तरीके से. और हार्ट के बारे में आपने जो बात बताई वो मुझे याद रहेगा कि दिल जो है वो इस शेप का नहीं होता, मुट्ठी के शेप का होता है, राइट? तो दिल के धड़कने का आप ध्यान रखें, दिल को किसी को देख कर तो आप धड़काते ही नहीं है, लेकिन उस दिल की धड़कन को काबू में रखिए, ढंग से रखिए, क्योंकि वो ऊपर नीचे अगर हुआ और कहीं स्ट्रेट चला गया तो बड़ी समस्या हो जाएगी. सो टेक केयर, विश यू वेल, मिलते हैं अगले सेशन में. वंस अगेन थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर जॉइनिंग दिस सेशन. मेल आईडी आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ. सेशन अच्छा लगा तो जरूर से मेल करके बताइएगा, और किस टॉपिक पे अगले बार हम सेशन में डॉक्टर से डिस्कस करें उसके बारे में भी जरूर बताइएगा कि आप अगले टॉपिक पर चाहते हैं कि मैं अगला सवाल अगला टॉपिक लेकर के आऊँ डॉक्टर के साथ डिस्कशन के लिए, द डॉक्टर एंड द डाइटिशियन में. सो वंस अगेन थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर, विश यू वेल, मिलते हैं अगले सेशन में. तब तक अपना बहुत 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 ध्यान रखिएगा. थैंक यू रीता, थैंक यू. Thank you. तो मेल आईडी मैंने आप सबको शेयर कर दी है, आप मुझे मेल कर सकते हैं आपकी क्वेरी. मेल कर रहे हैं तो एक रिक्वेस्ट है कि रिपोर्ट्स के साथ जरूर से प्रॉब्लम क्या है, डायग्नोसिस क्या है, जरूर मेंशन करें आपके लिए. सो टेक केयर, विश यू वेल, मिलते हैं अगले सेशन में.